मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, चल कुंडली धारा मापी, हम लोग कहते हैं इसको चल कुंडली कुंडली धारा मापी, धारा मापी, धारा मापी, इसको मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। देखिए अब ध्यान से सबको समझिए, कैसे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर धारा मापी यहाँ पर नाम है, ऐसे लग रहा होगा नाम से जैसे यह धारा को मापता है, लेकिन यह धारा को मापता नहीं है, यह किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बतलाता है। मतलब धारा उपस्थित, जैसे टेस्टर हो गया, तो टेस्टर क्या करते हैं हम लोग, उससे धारा मापते नहीं, सिर्फ हम लोग ये जाँचते हैं कि क्या इस परिपथ में धारा है या नहीं है। तो विद्युत परिपथ में धारा है अथवा नहीं है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग धारा मापी या गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया इंट्रोडक्शन में कि धारा मापी गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, मीटर है, वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति बदलाती है, उपस्थिति बदलाती है। यहाँ पर बात क्लियर है कि उपस्थिति बदलाती है। देखिए मतलब कहीं धारा है विद्युत परिपथ में नहीं है, इस चीज़ का पता हम लोग किससे करेंगे, गैल्वेनोमीटर से। अब जब फिर अब हम लोग अगर देखें तो गैल्वेनोमीटर दो प्रकार का होता है, ग्रुप से गैल्वेनोमीटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गैल्वेनोमीटर दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार में कौन कौन सा दो प्रकार है, तो पहला प्रकार इसका हो गया, इसको हम लोग कहते हैं चल कुंडली, कुंडली स्थिर चुंबक का, स्थिर चुंबक, चुंबक का धारा मापी, धारा मापी पहला, इट मीन्स। और दूसरा होता है फिर चल चुंबक का, चुंबक का स्थिर क्वाइल, क्वाइल धारा माप। देखो नाम से पहले ध्यान से देखो, वैसे ये हिंदी नाम इत्यादि जो है इसमें वो थोड़ा सा अजूबा टाइप का लगेगा, इसमें इंग्लिश नेम ही अच्छा होता है, लेकिन दोनों को हम बता रहे हैं। तो चल कुंडली का मतलब हो गया चल, मतलब विच इज मूविंग, तो मूविंग क्वाइल, और ये है चल चुंबक, इट मीन्स मूविंग मैग्नेट। दोनों में देख रहे हो, एक लग रहा है मूव कर रहा है, दूसरा स्थिर है, फिर इसमें एक मूव कर रहा है दूसरा स्थिर है, दोनों एक दूसरे का उल्टा ऐसे लग रहा है। ये दोनों प्रकार इसमें सीधे समझ लो, ये मूविंग क्वाइल है या मूविंग मैग्नेट। अब हम लोग जो अभी हेडिंग लगाए हैं मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, इससे ये लग रहा है कि हम लोग ये फर्स्ट वाला को देख रहे हैं, निश्चित रूप से फर्स्ट वाला को ही देख रहे हैं। तो हम लोग ये देखें कि ये जो चल कुंडली इट मीन्स मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है, तुमको इसको शॉर्ट मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर भी कहेंगे, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है। ये मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझो, पूरा नोट्स को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर दो प्रकार का होता है, इसमें एक को हम लोग कहते हैं निलंबित, निलंबित क्वाइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इसको निलंबित क्वाइल का मतलब हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंडेड, सस्पेंडेड क्वाइल, क्वाइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा होता है हम लोग कहते हैं किलकित क्वाइल, किलकित क्वाइल गैल्वेनोमीटर। किलकित जैसे लग रहा है कील शब्द आया है कि कील को हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो अजलक इसको कहते हैं पाइवोटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, पाइवेटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर, किलकित क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ये दो प्रकार। अब इस दोनों में तुम देखोगे तो इसकी सारी सिस्टम, इट मीन्स इसका जो तुमको सिद्धांत होगा, जो वर्किंग होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ इसके संरचना में अंतर होगा। और संरचना में कैसा, तो यहाँ पर देख ही रहो कि एक में सस्पेंडेड क्वाइल है, एक में पाइवेटेड क्वाइल है।
अब इसका क्या मीनिंग है आगे हम लोग स्ट्रक्चर में कंप्लीट देखेंगे। तो यहाँ पर एक हो गया निलंबित कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा हो गया पाइवेटेड कॉइल। तो हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे वो मुख्य रूप से हम लोग इसको देखेंगे और बता ही दिए कि दोनों प्रकार के गैल्वेनोमीटर की सभी मतलब प्रिंसिपल वर्किंग इत्यादि सब सेम है, सिर्फ उसकी संरचना में अंतर होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है आगे अभी देखेंगे किलकित कॉइल गैल्वेनो पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। देखो हम लोग अब एक्सप्लेन करते हैं पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इट मीन्स किलकित। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब किलकित कॉइल गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर वहाँ पर कर्सी का दीर्घी कार सही है वैसे ही है। तो किलकित कॉइल गैल्वेनोमीटर पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को इसको वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ये भी ध्यान रखना वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। अब देखो ये कैसे काम, क्या इसका संरचना है, कंस्ट्रक्शन और फिगर क्या है, कैसे इसका वर्किंग है, क्या प्रिंसिपल है, सारी चीज़ को ध्यान से देखते हैं। सब पहले हम लोग इसके चित्र को देखें, तो चित्र को एकदम ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ को हम सीधे बोर्ड पर बना रहे हैं, ध्यान से समझ, फिर एक एक लाइन पर अगर ध्यान दें तो बनाने में आसानी होगी, नहीं तो फिर पूरा भाग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए चुंबक के ध्रुव मैग्नेटिक पोल्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैग्नेटिक पोल के लिए अवतल बेलनाकार मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक पोल का यूज़ किया जाता है। चलो यह नॉर्थ पोल और दूसरा इसी के हम लोग पैरेलल ले लेंगे यहाँ पर ठीक है। ये दोनों इस तरह का लग रहा है जैसे कटिंग का चिन्ह है, कटा हुआ है कोई भाग है नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से, और ये अवतल बेलनाकार है मैग्नेट का, ये जो हम दिखा दिए हैं इस चीज़ को, फिर आगे हम लोग इसका क्या मीनिंग है बताएंगे। अब इस सीधे तौर पर यह दो चुंबक के ध्रुव हो गया नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में क्या किया जाता है, तुमको एक क्वाइल को क्वाइल का यूज किया, क्वाइल इसमें रहता है और ये क्वाइल बेलनाकार या गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार या गोलाकार, अभी तो यह बेलनाकार ही है। और इसमें क्वाइल, क्वाइल में क्या किया जाता है, इसके अंदर जो ये भाग देख रहे हो या बेलनाकार या गोलेकार लोहे का एक भाग या टुकड़ा होता है जो गोलाकार या बेलनाकार हो सकता है, और इसके ऊपर तार का बहुत सारा टर्न्स या लपेट होता है, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्वाइल। और इसके अंदर जो लोहे का भाग रहता है ये जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं कोर, और ऊपर तार का लपेट होता है। तो ये लुक इस तरह का है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लपेट को दिखाने के लिए इस तरह के टर्म्स का यूज़ करते हैं। और तार का बहुत सारा अगर लपेट होगा तो ये देखने में इस तरह का लगे, ताकि इससे हम लोग इसको कर, ठीक है। अब ये वैसे जादू से तो इस बीच में रहेगा नहीं, इसको फिक्स करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर और इसके नीचे यहाँ पर दो चूल होता है, इसको इंग्लिश में पॉबेट्स कहते हैं, इस तरह का पकड़ने वाला, तो यह इसको हम लोग कहते हैं चूल, या इसी को कहा जाता है पाइवट, पाइवट, पाइवट। और यह भी हम लोग को यहाँ पर भी उसी तरह के सिस्टम में होगा या पाइवट्स होगा जो कि इस पूरे सिस्टम को हैंडल पकड़ा हुआ रहेगा। इसके साथ साथ अब इसमें क्या करते हैं, फिर इसी तुम्हारा जो क्वाइल है
इस क्वाइल से एक इंडिकेटर जुड़ा हुआ रहता है, इंडिकेटर, इस तरह का इंडिकेटर सुई हो गया। और यह सुई किस चीज़ के लिए होगा, रीडिंग पढ़ने के लिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि धारा की उपस्थिति को बतलाना। तो धारा उपस्थित है कि नहीं है ये तो स्केल पर देखना पड़ेगा, और स्केल पर कौन हम लोग को इंडिकेट करेगा, तो वह सुई होगा, इसमें स्विच इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो यहाँ पर अर्धवृत्ताकार एक जो है, या हम लोग कह सकते हैं वृत्ताकार जो है वह स्केल होता है, और इस स्केल के मध्य में जीरो होता है, और इधर तुमको फिर 10, 20, 30 इस तरह से रहेगा ये। लेकिन अब देखो सिस्टम को, अब ध्यान से, अब क्या है, ये मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारा ये क्वाइल है, मतलब तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। मान लो किसी वायर में तुम धारा जांचना चाहते थे, इसको उस वायर से टच कराएंगे, कराएंगे ना, वायर से अगर टच कराएंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो तुम्हारा क्वाइल अभी करंट कैरिंग हो गया। तो अब करंट कैरिंग कंडक्टर के समान यह हो गया, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब इस क्वाइल पर भी फोर्स लगेगा। तब फोर्स जब क्वाइल पर लगेगा तो वो फोर्स को क्वाइल को घुमाएगा, तो क्वाइल को घुमाना चाहेगा, फोर्स लगा करके उसको विस्थापित करना चाहेगा। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होगा, स्प्रिंग लगा होगा यहाँ, और यहाँ पर भी होगा वह स्प्रिंग लगा होगा, इसको हम लोग T2। अब देखो तो ये स्प्रिंग, अब क्या कि जैसे यह घूमा, क्वाइल ऐसे घूमेगा तो स्प्रिंग उसको उल्टा घुमाएगा, इट मीन्स रोकना चाहेगा। अब जब स्प्रिंग का बल और ये चुंबक के बल दोनों बराबर हो जाएगा तो तुम्हारा ये जो क्वाइल है वह स्थिर हो जाएगा, और क्वाइल से जुड़ा हुआ तुम्हारा जो सुई है वो भी स्थिर हो जाएगा, और वो स्थिर होकर के अगर जीरो से अलग दिखाएगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम लोग इसमें नामांकित कर दे, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा स्केल। उसके साथ हम लोग ये देख रहे हैं यह क्या हो गया, स्प्रिंग, ये फिर हम लोग को क्या पावेट, ये हम लोग देख रहे हैं पावेट हो गया। उसके बाद हम लोग नॉर्थ और साउथ, तो दो हम लोगों को चुंबक के ध्रुव है ही, हम लोगों को यह भाग क्या हो गया क्वाइल, क्वाइल के अंदर का जो भाग है वो हम लोगों को क्या हो गया कोर, ये हम लोगों को क्या हो गया इंडिकेटर या संकेतक, इसको हम लोग संकेतक या इंडिकेटर कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे, ये इंडिकेटर होगा। बनावट में सीधी सी बातें हैं जो हम लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पर है चित्र में दिखाया गया भाग है उसमें तुमको जो है स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वाइल, और क्वाइल क्या किया गया है, दो पॉवेट्स की मदद से चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है, और हम लोग देख रहे हैं फिर इसमें तुमको कौन सा भाग आ गया इंडिकेटर, तो इंडिकेटर किससे जुड़ा हुआ है क्वाइल से, और उसके साथ साथ फिर तुमको देख रहे हो कि इसमें चुंबक के ध्रुव है, और चुंबक ध्रुव त्रिज्य चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करना है, त्रिज्य चुंबक के क्षेत्र, और चुंबक के क्षेत्र त्रिज्य चुंबक के क्षेत्र के लिए जो तुम्हारा चुंबक के ध्रुव है, इट मीन्स हम लोग का ध्रुव खंड वो कैसा लिया जाता है, तो वह तुमको अवतल बेलनाकार लेना पड़ता, अवतल बेलनाकार हो गया। तो मूल रूप से हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग इसके बनावट के बारे में बोले तो हम लोग देख रहे हैं कि एक क्वाइल जो है दोनों ध्रुव खंडों शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच दो पॉवेट्स की मदद से चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। अब इसके दोनों छोर पर हम लोग देख रहे हैं चित्रानुसार फिर क्या होगा, स्प्रिंग होगा, और इस क्वाइल के से हम लोग को एक इंडिकेटर जुड़ा होगा, जो इंडिकेटर हम लोगों को सीधे इस वृत्ताकार स्केल्स पर रीडिंग पढ़ने के लिए हम लोगों को व्यवस्थित होगा। ये हम लोगों को इसके बनावट के अंतर्गत आएगा।